नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। आज हमारा जीके लुसेंट स्टेज का 9वां दिन है, पार्ट 9 पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनजीए। यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनजीए का हेडक्वार्टर जो है वो हमारा कहाँ है? तो यूएनजीए का हमारा हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली जो है यूएनजीए का फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ओल्ड एज बिकम ड्यू टू लैक ऑफ। हमारे इंसान में बुढ़ापा जो आता है वह किसकी कमी से आता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है ये थाइमस है। तो थाइमस ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जब थाइमस ग्रंथि कमजोर होने लगता है, तो इसके कमजोर होने के कारण हमारे शरीर में बुढ़ापे का लक्षण आने लगता है। झुर्रियां पड़ना, बालों का पकना, गिरना और दांतों का गिरना, ये सब सारे जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं, ये सारे किसके कारण आता है? तो ये सब सारे थाइमस के कारण आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में रक्त का क्या परसेंटेज होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त की परसेंटेज होती है, टोटल जो हमारा शरीर का वेट है उसमें रक्त का परसेंटेज क्या होता है? तो रक्त जो है हमारे टोटल शरीर के वेट का 7% जो होता है वो हमारे क्या होता है? ब्लड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह है एस्कॉर्बिक। विटामिन सी के रासायनिक नाम को एस्कॉर्बिक बोलते हैं, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन जिमनास्टिक। जिमनास्टिक जो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिमनास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होगा। 11 जो है क्रिकेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट कंटेन्स ओनली वन सेटेलाइट। हमारे पास जो ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा प्लानेट है जिसके केवल एक ही उपग्रह है? तो अर्थ जो है उसके केवल एक ही उपग्रह है, वो है मून। अर्थ के केवल एक ही उपग्रह है मून। चंद्रमा जो कि है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह है मरकरी, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड इज। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो विश्व का पहला धर्म जो है, हमारे पास चार ऑप्शन है, इस्लाम, कैथोलिक, सिख, हिंदुज्म। तो हिंदुज्म जो है ये हिंदुज्म नहीं होता, ये होता है सनातन, सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म जो है ये सबसे पहला धर्म है। आप सभी को पता होगा इस्लाम, कैथोलिक, सिख, इन सभी के रूट्स पता चलते हैं कि कहाँ से इस धर्म का शुरुआत हुआ है। बट सनातन धर्म का कोई रूट पता नहीं है कि यह धर्म कहाँ से किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। यह एक जीने का लाइफ सर्किल है जो कि सनातन धर्म हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना है। तो अगर क्वेश्चन ये रहे कि कौन सा धर्म है जो कि सबसे प्रथम विश्व में आया था, तो वह कौन सा धर्म होगा? सनातन धर्म होगा, या तो हिंदुज्म बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट फ्रॉम द हार्ट। स्टेट फ्रॉम द हार्ट इज द बायोग्राफी ऑफ होम। स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसकी बायोग्राफी है? तो ये बायोग्राफी किनकी है? ये है कपिल देव की। कपिल देव जो कि 1883 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान थे भारत के, तो उन्हीं की जीवन पर यह बुक लिखी गई है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राधा मोहन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप जो है ये किससे संबंधित है? यह है पोलो से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नेशनल गेम क्या है? अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि न्यूजीलैंड का नेशनल गेम क्या है, तो हम बताएंगे रबी,
रग्बी जो है न्यूजीलैंड का नेशनल गेम है, बट अगर यह पूछा जाए कि समर के टाइम में, समर के सीजन में, समर टाइम में न्यूजीलैंड का नेशनल गेम क्या हो जाता है, तो समर के टाइम में न्यूजीलैंड का नेशनल गेम क्या होता है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेयर इज द टॉम्ब ऑफ संत कबीर? संत कबीर की समाधि जो है, समाधि स्थल कहाँ पर है? संत कबीर जी का समाधि स्थल जो है वो है मगर में संत कबीर जी का समाधि स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पेंगोंग लेक जो है वो किस स्टेट में है? तो पेंगोंग लेक जो है ये कहाँ पे है? तो ये है लद्दाख में। हाल ही में चाइना और भारत के बीच में जो युद्ध हो रहा था, जो झड़प हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी? वो लद्दाख में हो रही थी और वह पेंगोंग लेक के पास ही हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड की हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई है नाबार्ड की हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर स्टेट इन जीडीपी? जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जो जीडीपी में सबसे ज्यादा टैक्स पे देने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर विच केस महात्मा गांधी हैड विड्रॉन फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी जो है किस आंदोलन किस मामले के बाद जो है असहयोग आंदोलन से हटने का निर्णय लिया था? तो वो किस आंदोलन से लिया था? वो लिए थे चौरा चौरी की कांड से। चौरा चौरी कहाँ पे स्थित है? चौरा चौरी जो है ये कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे भारतीयों ने क्या किया था कि अंग्रेज के पुलिस को पुलिस चौकी में घेर कर आग लगा दिया था, जिससे लगभग 23 जो पुलिस कर्मी है अंग्रेज के वो मारे गए थे। और इसी कारण से महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा लगा था ये देखकर, और इसी के बाद से वो असहयोग आंदोलन से हटने का निर्णय ले लिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडा इज अ मेन ट्राइब ऑफ विच स्टेट? मुंडा जो एक जनजाति है, ये किस राज्य की जनजाति है? तो आपको पता होगा कि ट्रेवल मिनिस्टर जो है भारत के, वो अभी हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा कहाँ से है? तो अर्जुन मुंडा है झारखंड से। तो ऑब्वियसली मुंडा ट्राइब कहाँ से है? ये है झारखंड के। मुंडा ट्राइब कहाँ से है? मुंडा ट्राइब है झारखंड के। अर्जुन मुंडा अभी भारत के ट्रेवल मिनिस्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? कौन सा नंबर आर्टिकल है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये आर्टिकल है 32, जिसे हम संविधान का आत्मा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज इन चिप्स पैकेट? हम लोग जो चिप्स खाते हैं, जो चिप्स देखते हैं, उस चिप्स में कौन सी पैकेट भरी गैस होती है जिसके कारण चिप्स खराब नहीं होता? तो ये गैस कौन सा होता है? ये गैस होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो चिप्स के पैकेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ अकर्स ऑन? पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो सबसे कम दूरी होता है वो किस दिन होता है? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के दिन में एक न्यूनतम दूरी होती है, बहुत दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास हो जाते हैं? तो वो दिन है 4 जनवरी। 4 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सर्फेस ऑफ मून? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं कि मास एंड वेट बिकम्स लेसर। जब हम मून पे जाते हैं, मून के सर्फेस पे जाते हैं, तो क्या हमारा वहां पे मास एंड वेट दोनों कम हो जाता है? या नेक्स्ट, मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड ओनली वेट इज लेसर? या तीसरा ऑप्शन है, ओनली मास इज लेसर? या चौथा ऑप्शन है, मास एंड वेट बोथ रिमेन्स अनचेंज? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकेंड वाला। मास हमेशा है, चाहे किसी भी जगह पे हो, मास हमेशा सेम होगा, बट वेट जो है वहां पे ये 1/10 हो जाता है, समथिंग जो भी हो 1/10 हो जाता है। जैसे आपकी 1/6 हो जाता, सॉरी ये 1/6 हो जाता है। जैसे आपकी वेट 60 kg है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वेट वहां पे कितना हो जाएगा? 10 kg। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एनर्जी? इनमें से किस कौन सा ऐसा लाइट है जिसकी एनर्जी जो होती है सबसे अधिक होती है? तो वो लाइट होती है वायलेट लाइट। वायलेट लाइट की एनर्जी जो है सबसे
हाई होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट। रात के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जिस इक्विपमेंट से हम रात को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कौन सा रे लगा होता है, तो वो जो रे लगा होता है उस लाइट में, वो होता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव जो होता है वो रात की जो भी चीजें हैं, इक्विपमेंट है, उस पर लगी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ लेग्स। ये जो तितली है, तितली, इस तितली के कितने पैर होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, तो तितली के कितने लेग्स होते हैं, तितली के 6 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है ये किस जगह पे स्थित है। चंद्रशेखर आजाद जी जो अपना अपने आप को गोली मारे थे, तो वो कहाँ पे मारे थे, वो मारे थे प्रयागराज में, और प्रयागराज में उसी जगह पे इनके नाम से एक पार्क बना दिया गया, जिस पार्क को हम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो चंद्रशेखर आजाद पार्क होगा कहाँ, प्रयागराज में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको अच्छा लगेगा सब वीडियो देख के। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।